हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पिछले 2 दिनों में सिर्फ झारखंड के राजधानी रांची शहर में कोरोना से करीबन 16 मौतें हो चुकी है। जो हालात हैं वो काफ़ी भयावह हैं। डॉक्टर, मेडिकल टीम, शायद कह सके तो कोरोना मरीजों के लिए मेडिकल सुविधा ही उपलब्ध नहीं हो पा रही है। सरकार चाहे जितनी भी बातें कर ले, लेकिन स्थिति बड़ी भयावह है। ये है स्वर्णरेखा नदी स्थित घाघरा मुक्ति धाम। इस मुक्ति धाम में यूं तो कभी कदार 1-2 शवों को जलाया जाता है, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि मेरे सामने 6-6 शव पड़े हुए हैं जिनको जलाने की प्रक्रिया चल रही है। और बताया जा रहा है कि कुछ और ऐसे शव हैं जो अभी आने वाले हैं, जो कोरोना के से ग्रसित होकर मरे हैं, और उनका शव को भी लाया जाना है। चूँकि हरमू स्थित जो बिजली शवदाह गृह है वो ख़राब हो चुका है, इसलिए शहर से दूर करीबन 20 किलोमीटर दूर घाघरा मुक्ति धाम में इन शवों को जलाया जा रहा है। क्योंकि यहाँ से दूर दूर तक शहर में रहने वाले लोग नहीं हैं। हाँ, कुछ ऐसे कंपनियाँ हैं या कुछ ऐसे ऑफिसेज हैं जो सरकारी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो वो पॉपुलेशन है वो थोड़ी दूर पर है, इसलिए यहाँ पर जलाना प्रशासन के लिए आसान हो रहा है। सबसे दर्दनाक दृश्य ये है कि हमने जो देखा कि कई ऐसे परिजन हैं जो अपने मृत जो है परिजन का चेहरा तक नहीं देख पा रहे हैं। कोरोना की वजह से चारों तरफ से उनको ढक दिया जाता है ताकि वायरस ना निकले, और अंतिम दर्शन तक परिवार वाले नहीं कर पा रहे हैं। ये जो भयावह स्थिति है इसका बयान करना चंद शब्दों में आसान नहीं होगा, फिर भी हम आपको जो दिखा रहे हैं वो शायद हमें नहीं दिखाना चाहिए, फिर भी एक कर्तव्य के नाते हम वो आपको आगाह करना चाहेंगे कि आप वैक्सीन लें, जितना भी हो सोशल डिस्टेंसिंग रखें ताकि आने वाला समय हम लोगों के लिए अच्छा हो। दृष्टिनाओं के लिए रिक्की राज।